ग्रिपोन ट्रिप के आज के सफर में हम जा रहे हैं ठंडियानी, जो कि एबटाबाद के करीब ही वाक़ है। ये मुकाम इस इलाके का फेमस पिकनिक स्पॉट है और यहाँ एबटाबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान से हर साल लोगों की बड़ी तादाद विजिट करने आती है। इस्लामाबाद से एबटाबाद जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हज़ारा एक्सप्रेसवे और दूसरा कराक्रम हाईवे। दोनों रास्तों का कुल फासला तकरीबन 155 किलोमीटर है, जबकि हज़ारा एक्सप्रेसवे के ज़रिए सफ़र करने से आप 40 से 45 मिनट का वक्त बचा सकते हैं। मौसम बड़ा अनसर्टन सा हो गया। अभी हमने ठंडियानी के लिए राइट टर्न लिया है सड़क से, तो एकदम से तेज धूप मिली है और एक गाड़ी अभी गुजरी थी, तो उनसे मैं रास्ता पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि टॉप पे बारिश हो रही है, तो धूप मिल रही है और बारिश हो रही है। चलें देखते हैं हमें क्या मिलता है ऊपर जाके। आई विश कि ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो फिर हम कर नहीं सकेंगे अपना काम, हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो असल में पहाड़ों के ऊपर होते हैं बादल पैचेस में, और जहाँ पे आपका शेडो आ जाए वहाँ पे आपको लगता है बादल बन गए हैं, और जैसे आप उससे बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि धूप बहुत तेज हो गई है। एबटाबाद से ठंडियानी का कुल फासला 32 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का वक्त दरकार होता है। एबटाबाद की सतह समुंदर से बुलंदी 4100 फुट है और ठंडियानी टॉप पर पहुंचकर ये बुलंदी 9000 तक हो जाती है, इसलिए मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, लिहाजा कुछ एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखें। बारिश के पेश नज़र छतरी और एक्स्ट्रा शूज़ साथ रखें और गर्म चादर या जैकेट लाजमी पहनें। सुबह के अभी 7:30 बजे का टाइम है और हमें किसी ने रोका भी नहीं, इसीलिए हम जल्दी आ गए थे। और बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है जिसकी वजह से हम छतरी भी नहीं लेके आए, और ये मेरा ड्रोन, मेरा बच्चा, इसको हमने ऐसे छुपाया हुआ है। और यहाँ पे हम थोड़े से दर्शन करेंगे। यहाँ पे KPA गवर्नमेंट ने कॉटेजेस भी बनाए हैं, उनकी प्री बुकिंग होती है फैमिली के लिए। बाकी इसका रास्ता बहुत प्यारा था। ठंडियानी का जो ट्रिप है आपका, वो टॉप के अलावा आपका रास्ता भी एक ट्रिप है। आप रास्ता इतना इन्जॉय कर रहे आते हैं और बारिश हो रही है तो वैसे ही बड़ा अच्छा है। बेसिकली ठंडियानी समझ लें एबटाबाद की छत है, और हम तकरीबन 10,000 फुट के ऊपर आ गए सीधे ही 4-5,000 से आधे एक घंटे में। तो दुआ करते हैं बारिश रुक जाए और ताकि मेरा ड्रोन उड़ जाए। Very good. Okay.
ठंडियानी टॉप पे जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे आपको छोटी छोटी दो ट्रेल्स हैं जंगल में गुजर से के आपने जाना होता है। यहां पे जंगल के बीच बीच बेंचेस भी बने हुए हैं और कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं जहां से आप नीचे देख सकते हैं। सबसे अहम बात और थोड़ी सी बुरी बात भी कि यहाँ पर ड्रोन पर बड़ी सख्त पाबंदी है। यहाँ पर कुछ ब्रॉडकास्टिंग सेटअप लगा हुआ है तो शायद इसलिए ड्रोन पर पाबंदी है, और फॉरनर्स के लिए भी यहाँ पे आने की पाबंदी है लेकिन वो परमिशन लेके आ सकते हैं, और जबकि ड्रोन परमिशन के बाद भी नहीं मिलता। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। ठंडियानी नाम से ही आपको बता रहा है कि ठंडी जगह है, ठंड से ठंडियानी है, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है टेम्परेचर की एक घंटे में। कल हम शहर में थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पर सर्दी लग रही है। और अभी हम थोड़ी सी और वॉक करेंगे, चाय पियेंगे, चिप्स खाएंगे, और अगर बारिश रुक गई तो हम थोड़ा सा और यहाँ पे फिर लेंगे। ठंडियानी टॉप पर अगर हम सहूलियात की बात करें तो यहाँ तमाम नेटवर्क के मोबाइल सिग्नल आते हैं। यहाँ हर किस्म के होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहाँ रात रुकने का किराया 3,000 से 10,000 रुपये तक के दरमियान है। ट्रांसपोर्ट के खर्चे को देखें तो एबटाबाद शहर से 2500 से 3500 के दरमियान आपको आरामदेह गाड़ी मिल जाती है जो आपको इस मुकाम की सैर करवा के वापस एबटाबाद शहर छोड़ती है। केपी के गवर्नमेंट की तरफ से ये डिक्लेयर्ड जंगल है, इसकी वॉल बाउंड्री बनाई गई है। तकरीबन 4.5 एकड़ जो है इसका रकबा कुल, और ये कॉनिफर का बड़ा ही थिक जंगल है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्मों की घास है, दरख्त है, यहाँ पे फूलों की बड़ी किस्में हैं। आगे एक बोर्ड था, काफ़ी मिटा हुआ था, उसके ऊपर इस जंगल की सारी डिटेल लिखी हुई है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं आपका जो जंगल है, आपका ट्रैक है, वो थिक होता जाता है। ज़्यादा निकलें, बड़ा ही ग्रीन सरसब्ज टूर है आज का हमारा। माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ जो है वो सब्ज़ है, और सब्ज़े ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया। हम लोगों को सबसे पहले खुद ठीक होना पड़ेगा। छोड़ दें ये बात करना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, मेरा शुरू से एक ही रोना है कि यहाँ पे लोगों ने बारबेक्यू किया हुआ है, और ये देखें ये लिफाफा, ये बोतल, वो पैकेट चिप्स के। अगर भाई आपने यहाँ पे बारबेक्यू किया, आप यहाँ पे खाना खाया आपने, तो ये चीज़ें भी तो साथ लेके जा सकते हैं। हालांकि शुरू में डस्टबिन भी लगी हुई है, अगर आप अपनी गाड़ी में रखना आपके लिए तोहीन है तो आप इसको पार्किंग तक ले जाओ यार, पार्किंग में जाके आप उसको डस्टबिन में फेंक दो। अभी बारिश रुकी है, और बारिश में वैसे पकौड़ों का दिल करता है, चिप्स अवेलेबल थी, चाय हमने पी है साथ, चिप्स खाएंगे, मज़े की बनी हुई वैसे, इसमें उन्होंने चाट मसाला भी डाल दिया। ठंडियानी टॉप से 1 किलोमीटर पहले ये से एक मस्जिद है, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये बड़ा इको फ्रेंडली इनिशिएटिव था टूरिज्म का केपी के गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे हट्स बनाए गए हैं और फैमिली लॉजिज बनाए गए हैं आगे टॉप पे, तो यहाँ पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, और 1 किलोमीटर पहले ठंडियानी टॉप से मस्जिद आती है, और ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये जहाँ जाती है। यहाँ से आप गाड़ी ना लेके जाएँ, रिकमेंडेड यही है, आप यहाँ से पैदल वॉक करते हुए चलते हैं। वैसे आजकल बंद है लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं।
इसका ना, एक जूम करके फिक्स फ्रेम भी ले। इनकी जो कैंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे हम खड़े हुए हैं ठंडियानी में, और यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप अगर प्लास्टिक बैग फेंकते हुए नज़र आ गए तो आपको 500 रुपया जुर्माना कर दिया जाएगा। यहाँ पे बाहर रूल्स बताए गए हैं, उनको आप लाजमी अडेयर करें, और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी है यहाँ पे। आपको मेरी आवाज़ से आइडिया होगा कि कितनी खामोशी है यहाँ पे। पीस ऑफ माइंड है, ग्रीनरी है, और शहर की जो बिज़ी रूटीन है उससे निकल के आप आएँ यहाँ पे, एक दो दिन रहें, कुछ भी ना करें, गैजेट्स भी छोड़ दें, बस नेचर को एंजॉय करें और आवाज़ें सुने यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के परिंदे हैं, दूर दूर से हमें देखते हैं, कैमरे में नहीं आते, कैमरा शाय हैं। और अभी मेरा प्रोग्राम बन गया वापसी का, एबटाबाद शहर से चप्पल कबाब खाने का प्रोग्राम है। और आपको पता है वैसे भी मेरा कोई एपिसोड अगर फूड ना हो तो आप कहना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब तो सिर्फ रूटीन ही कर दी खैर है, तो चप्पल कबाब वहाँ पे जाके खाएंगे और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा एबटाबाद में ख़त्म होगा। अभी हम नीचे आए हैं ठंडियानी से, तो टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट फ़र्क आया है। अब हमने एसी भी लगा लिया गाड़ी का, और वहाँ पे हमें ठंड लग रही थी और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी। बड़े जूसी से राइस हैं, ये गोश्त की ही यखनी में चावल बने हुए हैं, और ये जो गाजरों का कमाल ना इसमें, वो आपको सही पैसे पूरे करता है आपके। ठंडियानी की सैर तो आपने कर ली, और अगर आप एबटाबाद के ही करीब एक खुफिया और नहायत खूबसूरत आबशार देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्कर्दू के लोग खुद सैर करने कहाँ जाते हैं तो यहाँ क्लिक करें। रिपोर्ट ट्रिप में मेरा यह सफ़र जारी है, मेरे साथ रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।